तो ये कैसे आवाज आ रहा है? खटारा हो गई साइकिल तेरी। ओके सो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। ओके सो गाइस, अभी मैं फिलहाल नाना खाना खत्म हो गया, मस्त रेडी हो गया। गाइस फाइनली हम लोग निकल गए घर से गाइस, एंड कपड़े भी ले लिए बिकॉज गाइस मम्मी को थोड़ा बदन में दर्द हो रहा है तो अस्पताल भी लेके जाना है। तो गाइस ये वॉशिंग मशीन में डालने हैं अभी कपड़े। ओके तो ये भी लेके जा रहा है। एंड गाइस गोवा जाने की डेट हमारी नज़दीक आ रही है, इसलिए अभी थोड़ी बहुत तैयारी भी करनी है हमें। आज है 27 तारीख, तो कल 28, हाँ। और गाइस हाँ, हम जाने वाले हैं 4 तारीख को हम जाने वाले, तो तैयारी करनी पड़ेगी अभी बहुत। बाकी तैयारी पूरी हुई नहीं है पूरी, तो हाँ गाइस चलते हैं नानी के घर फिर गैस को। ओके सो गाइस फाइनली पहुँच गए हम नानी के घर, एंड नानी अभी काम कर रहा है और भव्य अभी आ गया यहाँ ट्यूशन से आ गया अभी स्कूल। एंड गाइस मैंने गोवा जाने के लिए ये कपड़े तैयार कर लिए हैं, इतने ये इस्त्री करवाने देने हैं। सो गाइस इतने कपड़े इस्त्री करवाने देने हैं फिलहाल। तो सो गाइस अभी फिलहाल जाके आता है अस्पताल बिकॉज मम्मी को गाइस कमर में दर्द है, तो अस्पताल जाके आता है फिलहाल, तो चलते हैं गाइस। तो गाइस फाइनली पहुँच गए हम अस्पताल, एंड भीड़ काफ़ी अभी। ओके सो गाइस फाइनली दवाई हमने ले ली है, अब चलते हैं। ओके सो गाइस फाइनली पहुंच गए हम घर, डॉक्टर से इलाज करवा के और दवा ले ली गई। एंड अभी चल रहा है नानी का फोन। किसका कॉल आया नानी? हर्षित का? हर्षित है? हर्षित क्या कह रहा है? आने वाला है? आने वाला है। गाइस आज तो नानी के घर खाना खाने का है, तो नानी बनाया अभी गर्मा गर्म रोटी। और हाँ गाइस ये हमारा फर्नीचर का काम चालू है, अभी रात रात को आता है फर्नीचर वाला। कल थोड़ी थोड़ी ये फ्रेम कर दी और अब आज पता नहीं क्या करेगा। ओके तो गाइस फाइनली नानी ने हमारा खाना रेडी कर दिया है। नानी ने आज खाने में बनाया हमारे गोभी की सब्जी, रोटी, एंड ये गाइस आलू का भजिया है। तो गाइस मिलता हूँ सीधा खाना पीना खा के। ओके तो गाइस फाइनली खाना खा लिया हमने, एंड अभी मम्मी को देते हैं दवाइयाँ जो लाए हैं। तो गाइस ये देखो कितनी सारी दवाइयाँ हैं। नानी भी पी रहे हैं स्किन की दवाई अपनी। गाइस हमारे घर में तो सब दवाई पी रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया है आजकल की दुनिया में। गाइस ये गोलू देखो चेक कैसे सो गए हैं, वहाँ पे आगे डेबरी सोए हुए और पीछे वहाँ पे गोलू सोया हुआ है गाइस, बिकॉज गर्मियों की सीजन चालू तो उनको भी गर्मी लगती है ना, बट हमारे घर में आके ही सो जाते हैं दोनों। ओके सो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ फिलहाल उस वाले घर पे बिकॉज मेरा चार्जिंग वहाँ पड़ा है, एंड गाइस मेरे फ़ोन की बैटरी 20% है। हाँ तो गाइस चलते हैं और चार्जर लेके आते हैं हमारा घर का, तो चलते गाइस लेट्स गो फटाफट। थैंक यू काफ़ी है, तो चलते हैं गाइस फटाफट फटाफट। ये रहा चार्जर हमारा। तो गाइस हम लोग पहुंच गए थे घर अभी, एंड अभी चार्जिंग में रख देते हैं फोन हमारा बिकॉज चार्जिंग गाइस बहुत ही लो है, रख देते हैं और मिलता हूँ गाइस थोड़ी देर में। तो गाइस फोन हमारा फुल चार्ज हो चुका है, एंड अभी बजे है 5:30। तो और ये देखो गाइस भव्य आ गया, और आते ही सीधा खाना खाना। ये चेक करें गाइस। गाइस गोवा के लिए हम थोड़े कपड़े इस्त्री करवा के आते हैं बिकॉज हमारे घर इस्त्री विस्त्री तो है नहीं, तो करा के लाते हैं इस्त्री। दो तीन जोड़ हैं, हाँ दो तीन कपड़े हैं शर्ट वगैरह, तो वो इस्त्री करा के आते हैं गाइस। लेट्स गो चलते हैं। पूरा सीट ना मेरा दर्द करा है अभी, एंड गाइस ये चेक करें गाइस हमारे शूज धोने के बाद कितने मस्त लग रहे हैं गाइस हमारे पीले शूज। एंड गाइस चलते अभी लेट्स गो। और ये चेक करें अंदर आने के लिए हमेशा रेडी रहती है, अंदर आने नहीं आना नहीं आना बाहर। सो गाइस हमारी स्त्री अभी शुरू हो रही है हमारा। हम लोग पहुंच गए थे अभी घर, है ना ये ना अंदर आ गई फिर से, इतनी जिद्दी है ना गाइस। टेबरी बंद कर, जाती नहीं गाइस बाहर, जाती नहीं है। और ये तू क्या क्या कर रहा है भाई? पैकेट खाया ना फिर से? हाँ सच्ची सच्ची बता,
नानी 10 रुपये दिए, आपने 10 रुपये दिए थे ना? नहीं दिया, पैकेट खा के आया पूरा ये, झूठ बोल रहा है, झूठ। गाइस ये लड़का इतना खाता है ना पैकेट, गाइस पता नहीं इसका क्या होगा आगे जाकर। तो ये कैसा आवाज आ रहा है, फटा रहा हो गई साइकिल तेरी। एंड गाइस अभी नानी बाकरी बना रहा है और मम्मी आलू काट रहा है। गाइस थोड़ा ऊपर जाके आते हैं, लेट्स गो झटपट उतर बाइक पर से, उतर उतर, नहीं चलाने की तेरे को, खाली बैठा हूँ। पेट्रोल डाला है? नहीं डाला, डलाना भी मत। क्यों? नहीं चलाने की नहीं है तेरे को ये भाई, तो लाइसेंस आए तभी चलाना। ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ लाइसेंस आए फिर चलाना, अभी नहीं चला सकते। मेरे दोस्त सब चला नहीं, नहीं नहीं चला सकते भाई। वो ध्रुव चलाता है, वो आता है, वो तो पागल है। तो गाइस थोड़ा ऊपर जाके आता है, लेट्स गो। गाइस पहुंच गए थे फाइनली ऊपर एंड सनसेट हो चुका है पूरा हमारा, एंड यहाँ पे आरती भी स्टार्ट हो चुकी है। कितना अच्छा लगता है ना गाइस, आपके घर के पास में ही मंदिर है तो गाइस आरती आपको सुनने का मौका मिलता है। हाँ गाइस बहुत ही मस्त लगता है। गाइस गोवा जाने की ऑलमोस्ट तैयारी थोड़ी थोड़ी हो चुकी है, एंड गाइस थोड़ा थोड़ा बहुत काम है जो वो 2-3 दिन में निपट जाएगा, बिकॉज हमें निकलना है 4 तारीख को। तो गाइस हाँ दो तीन दिन में निपट जाएगा, आज है 27, आज 27 तो निपट जाएगा, उसकी कोई चिंता नहीं हमें। एंड जिन लोगों ने नहीं पता गाइस, तो मैं जा रहा हूँ गोवा, मेरी कंपनी में से मुझे जाने का मौका मिला है, मैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम कर रहा हूँ उसमें से गाइस। तो चलते हैं, मौका मिला है तो क्यों ना जाए, क्योंकि मैं विन बना हूँ उसमें। हाँ गाइस एक मतलब एक टारगेट था जो कि 3 मंथ में इतना काम करना है तो आपको गोवा का टूर पैकेज फ्री मिलेगा। तो गाइस फाइनली वो मैंने अचीव कर लिया और मुझे ये मौका मिला है कंपनी की ओर से। तो गाइस जाएंगे हम गोवा, ओके। सो गाइस वहाँ के जो ब्लॉग आने वाला है वो बहुत ही बॉम्ब होने वाला है, बिकॉज गोवा का सीन आपको तो पता ही है कितनी तबाही होगी गोवा में। तो गाइस हम निकलने वाले 4 तारीख को और 5 तारीख को ऑलमोस्ट पहुंच जाएंगे हम गोवा, और यहाँ से हम जाएंगे अहमदाबाद से कालूपुर रेलवे स्टेशन से जाएंगे ट्रेन में। गाइस ट्रेन में जाएंगे और फिर गोवा तक ट्रेन है हमारी, ओके। तो गाइस गोवा पहुंच के पता नहीं कैसे घुमाएंगे, बट गोवा तक हमारी ट्रेन, तो हम फाइनली पहुँच जाएँगे गोवा। एंड गाइस रिटर्न में 2-3 दिन हम रुकेंगे, 2-3 दिन। एंड रिटर्न में गाइज हमें आना है प्लेन में गाइज। हाँ तो गाइज मैं दूसरी बार प्लेन में बैठूंगा, बिकॉज पहली बार मैं गया था वो मैं मनाली गया था, तब गाइज मैं पहली बार प्लेन में बैठा था, वो भी मैं कंपनी की तरफ से ही गया था, कंपनी का टूर पैकेज अचीव करके। सो गाइज इस बारी भी मैं ऐसे ही जा रहा हूँ कंपनी का टूर पैकेज अचीव करके गोवा गाइज। सो गाइज मज़ा आएगा, हमारे पास काफ़ी सारे टीम मेम्बर भी होंगे हमारे। तो गाइस बहुत ही खतरी सीन होने वाला है गोवा, बिकॉज गाइस आप एक फैमिली के साथ जाते हो तो अलग वाइब आती है, और फ्रेंड्स के साथ जाते हो तो अलग वाइब आती है, एंड गाइस ऐसे ग्रुप में जाते हो आप तो गाइस तबाही सीन होता है गाइस, बिकॉज ग्रुप गाइस होता है ना, जो ग्रुप गाइस खतरा जो जाए वो हम तबाही होने वाली, मतलब गाइस फुल तबाही। गाइस गोवा में फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है कैसा नहीं, बिकॉज गाइस जो पहली बार कंपनी वाले लेके गए थे उसके मैंने ब्लॉग मतलब वीडियोज़ और फोटोज़ वगैरह देखे थे, तो गाइस काफ़ी सारा एंजॉय कराया था हमारे कंपनी का जो मैनेजमेंट था गाइस, काफ़ी बढ़िया लगा मुझे। तो इस बारी लाइव चेक करेंगे कैसा है कैसा नहीं मैनेजमेंट हमारा कंपनी का, और कहाँ रुकते हैं गाइस। मुझे तो एक बढ़िया सा रिसोर्ट में रुकने की खबर मिली है कि हम रिसोर्ट में रुकने वाले हैं, तो देखते हैं वहाँ का माहौल कैसा होगा कैसा नहीं, आपको दिखाएंगे हमारे ब्लॉग में, ओके। गाइस जो भी खर्चा वर्चा होगा वो सब कंपनी वाले उठाएंगे, हमारा कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। तो गाइस जो भी खर्चा होगा वो कंपनी उठाएगी हमारा, रहने का खाने का पीने का वगैरह जो सब है, तो हाँ गाइस बिल्कुल फ्री में हम जाके आएंगे, वो बात अलग है जो बाहर से खरीदी वरीदी करनी हो आपको तो ले जाने पड़ेंगे पैसे, बाकी तो सब कुछ फ्री है रहने का खाने का वगैरह गाइस। तो देखते हैं गाइस जाके।
गाइस ऊपर अभी शाम होने का है तो मच्छर काफ़ी ज़्यादा है, तो फटाफट चलते हैं वरना तबीयत ख़राब हो सकती है गाइस मच्छर काटने से। ओके तो चलते गाइस फटाफट। गाइस अभी फटाफट लेके आते हैं हमारे इस्त्री वाले कपड़े वरना वो भैया बंद करके चले जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी गाइस, चलते फटाफट। सो गाइस हमारा ऑलमोस्ट काम चल ही रहा है हमारा कपड़े का एंड तब तक वेट करते हैं फिलहाल। नानी कहाँ गए, सब कहाँ गए, ये नानी क्या कर रहा है। ओम शांति, ब्रह्मा कुमारी चल रहा है यहाँ पे। ओके मम्मी, ओके मम्मी, ओके कपड़े हमारे रेडी गोवा के लिए। ओके ओके सो गाइस फाइनली हमारा खाना पीना सब हो गया है, नानी ने बनाया था तो हाँ अच्छे से आज यहाँ पर ही खा लिया हमने। एंड गाइस आज मैं ज़्यादा बाहर का ब्लॉग शूट नहीं कर रहा बिकॉज यार गोवा जाने की थोड़ी बहुत तैयारी चल रही है घर पे, वो कपड़ा वपड़ा थोड़ा अच्छा संभाल कर रखना पड़ेगा, एक एक चीज़ याद करके गाइस, तो इसलिए गाइस थोड़ा ब्लॉग बोरिंग आपको लग रहे होंगे शायद। गाइस गोवा वाले ब्लॉग तो बम होने वाले हैं हमारे लिए एंड गाइस इस वाले ब्लॉग को फिलहाल हम करते हैं यहीं एंड। आपको ये ब्लॉग गाइस पसंद आया तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइस। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू, स्टे सेफ एंड बाय बाय। सोते सोते क्या सपने देख रही है, टेबरी उठ गई।